दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में अकाउंट्स मेंटेन करते हो और वहां पर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से अभी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो, तो ये आज की क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज F11 और F12, तो इनका यूज हम कब और किस कंडीशन में करते हैं। F11 यानी कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के फीचर्स और F12 यानी कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। तो कब हमें F11 और कब हमें F12 का यूज करना होता है, किस कंडीशन में करना होता है, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करेंगे। क्योंकि हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के जितने भी ऑप्शन हमें इनेबल या फिर डिसेबल करने होते हैं, तो हमें इन दो कीज का सहारा लेना पड़ता है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूजर के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी नॉलेज इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि आगे भी आपको इसी चैनल पर इसी टाइप की टेली प्राइम से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे F11 पे, यानी कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से पहले यूज किया करते थे टेली ERP 9 को। तो टेली ERP 9 के अंदर आपको ये जो दोनों कीज है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती थी, F11 और F12। लेकिन अब ये ऑप्शन टेली प्राइम में से यहां से इनको हटा दिया, तो अब ये ऑप्शन आपको टेली प्राइम में कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं F11 की। तो F11 का जो ऑप्शन है, जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो हमारा टैब मेन्यू है, उसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कंपनी का। जैसे हम इस कंपनी पे क्लिक करें या फिर शॉर्टकट एल्ट के हम यूज करते हैं, तो ये हमारे सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी और इसी लिस्ट के अंदर हमें ऑप्शन दिखाई देगा फीचर्स का, जिसकी शॉर्टकट आप देख रहे हो F11 है। तो आप F11 प्रेस करो चाहे आप इसके ऊपर क्लिक करो। तो जैसे ही हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, तो ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है F11 की ऑटोमेटिकली। तो अब सबसे पहले आपके सामने देख रहे हो भी फीचर्स आपको पूरे दिखाई नहीं दे रहे, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ऑप्शन रहेगा आपके पास में शो मोर फीचर्स का। तो इसके अंदर हम इस ऑप्शन को कर लेते हैं यस यहां से, और उसके बाद के अंदर शो ऑल फीचर्स इसकी डिटेल को भी यस करेंगे। तो जैसे हम यस करेंगे, ये टेली प्राइम सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करते हैं टेली ERP 9 की, तो टेली ERP 9 पे जैसे हम F12 F11 प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास कंपनी की ऑप्शन आ जाती है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी चेंजिंग रहती है वो ऊपर के जो तीन ऑप्शन है इन्हीं में रहती है। वैसे तो सभी फीचर्स इसके यूज होते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर, स्ट्रेटजी एंड टैक्सेशन, TSS से रिलेटेड और एड ऑन फीचर से रिलेटेड। तो अब ये ऑप्शन आपको टेली प्राइम के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, आप देख रहे हो अकाउंटिंग से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, और उसके बाद में टैक्सेशन से रिलेटेड, उसके बाद में ऑनलाइन डिटेल्स, पेरोल्स और अदर्स, यानी कि काफी कुछ इसके फीचर्स F11 के अंदर हमें मिलते हैं। तो दोस्तों, F11 और F12 में डिफरेंस क्या है। F11 का मतलब हो गया टेली सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में, यानी कि अब मान लीजिए ये जितने भी ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो बेसिकली हमारी तीन बातें होती है अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन की। तो अब इस कंपनी, यानी कि जो कंपनी अभी हमारे सामने ओपन है, जैसे कि स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, हमने इसकी फीचर्स हम इनेबल या फिर डिसेबल करते हैं, तो ये पर्टिकुलर इसी कंपनी के लिए ही ये इनेबल और डिसेबल रहेंगे। उसके अलावा अगर इस टेली सॉफ्टवेयर में अगर हम दूसरी कंपनी क्रिएट करके वर्क करते हैं या दूसरी कंपनी को ओपन करते हैं, तो उस ऑप्शन मतलब उस कंपनी के अंदर ये फीचर्स आपको इनेबल या फिर डिसेबल करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर हमें एक कंपनी के लिए ही इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो आपको सबसे पहले देख लेना इन दोनों ऑप्शन को, आपको यस कर लेना है ताकि सभी फीचर्स आपके सामने ओपन हो जाए। तो अब सबसे पहली बात रहेगी अकाउंटिंग से रिलेटेड, यानी कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन मेंटेन करनी है, वो आपने मेंटेन्स अकाउंट्स बिल वाइज डिटेल्स को ओपन करना है, आपको कॉस्ट सेंटर भी इनेबल करके रखना है, या फिर आपने इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन करना है। तो अगर ये ऑप्शन आपके नो है, तो आपके इन ऑप्शन के बारे में डिटेल से आगे टेली सॉफ्टवेयर वाउचर की ट्रांजेक्शन करते वक्त नहीं पूछेगा। अगर ये ऑप्शन आपके काम के नहीं है
और फिर भी आपने इसको इनेबल कर रखे रखा हुआ है, तो आपके काम करने की जो प्रक्रिया है ना वो थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यानी कि हर स्टेप आपसे बारी बारी पूछेगा, कभी कॉस्ट सेंटर के बारे में पूछेगा, कभी बिल वाइज डिटेल के बारे में पूछेगा। तो अगर ऑप्शन ये आपके अभी यूज नहीं है तो आप इनको नो ही रखना, अगर यूज हो तो ही आप इनको यस रखो। तो उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब यानी कि हमारी जो स्टॉक आइटम से रिलेटेड जो डिटेल्स है उसके बारे में ये डिटेल्स है। यानी कि इसके आप पूछ रहे हो भी इंडिकेटर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, यानी कि आप अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों एक साथ मेंटेन करते हो, बिल्कुल यस करेंगे। और उसके बाद के अंदर आप अपना कोई प्राइस लेवल अगर कोई सेट करना चाहते हो तो अगर आप करना चाहते हो तो इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज ये नो रहता है। उसके बाद में इनेबल बैच। बैच का मतलब अगर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट सेल करते हो जहाँ पर उस प्रोडक्ट का आपको एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, सीरियल नंबर, ऐसा कुछ डिटेल अगर आपको दिखाने की जरूरत हो तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है, यानी कि स्टॉक आइटम से रिलेटेड ही डिटेल्स है। और इसके बाद में इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग अगर आप यूज करते हो तो यस। इसके बाद इनेबल कॉस्टिंग ट्रैकिंग, इसी तरीके इनेबल आप जॉब कॉस्टिंग, यूज डिस्काउंट कॉल इन इनवॉइस के अंदर, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी इनवॉइस। तो ये हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड सेटिंग है, तो आप इसको यस या नो यहाँ से इसको कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने यस या नो करोगे तो पर्टिकुलर ये इसी कंपनी के अंदर ही काम करेगा। उसके हम बात करते हैं टैक्सेशन के बारे में। तो अब टैक्सेशन की जो हमारी डिटेल्स है, अब टैक्सेशन के अंदर जितने भी हमारे टैक्स हम यूज करते हैं, जैसा कि GST है, TDS है, TCS है, हालांकि वेट अब हम यूज करते नहीं है तो आप इनको नो रख सकते हो। इसी तरीके से एक्साइज है या फिर कोई सर्विस टैक्स है, तो ये आपके अब यूज है नहीं। मोस्टली हमारे ये तीन टैक्स अब ज्यादातर हम यूज करते हैं, GST का, TDS का और TCS का। तो जैसे हम अगर मान लीजिए आपने कोई GST यूज करते हो तो इस ऑप्शन को आप यस करोगे, तो जैसे हम इसको यस करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी कंपनी के लिए आपसे ये GST की डिटेल भी पूछेगा, भी आपका स्टेट कौन सा है, रजिस्ट्रेशन आपका रेगुलर में है, कंपोजिशन में है, कब से आपने GST को एप्लीकेबल करना है, आपकी जीएसटी कंपनी का GST का जो नंबर है वो क्या है, आप GST या रिटर्न की जो मतलब फाइल करोगे वो मंथली है, क्वार्टरली है, ईवी बिल आप पे लागू होता है, ई इनवॉइस आपके ऊपर लागू होता है। तो यानी कि ये GST से संबंधित जितने भी ऑप्शन है, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो आपको यहाँ पर मिलती है। और इसी तरीके से अगर आप TDS को भी इनेबल करते हो, यानी कि अगर आपकी कंपनी की ये लायबिलिटी बनती है भी TDS काटने की, तो आप इस TDS के ऑप्शन को भी यस करोगे। तो उसके बाद आपकी कंपनी की ये 10 नंबर की डिटेल्स, आपकी जो डिडक्टर टाइप की डिटेल है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, सारा कुछ ये डिटेल आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हो। इसी तरीके से TCS को कर सकते हो। और उसके बाद में डिटेल आती है हमारे पास में ऑनलाइन एक्सेस की, भी अगर आप अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मतलब कंटिन्यू ऐड करना चाहते हो, पेरोल आप मेंटेन करते हो, उसके बाद में अपना कोई मल्टीपल एड्रेस इसके साथ मेट करते हो, मार्क मॉडिफाई वाउचर को आप दिखाना चाहते हो भी कौन कौन से वाउचर आपने मॉडिफाई किए, तो ये कुछ डिटेल्स हम F11 के साथ और इसके अंदर इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो ये है हमारी बेसिक बातें कुछ F11 से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं F12 कॉन्फ़िगरेशन की। तो दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन की जो सेटिंग है ना वो पर्टिकुलर कोई भी फिक्स नहीं है, जैसा कि F11 के अंदर सभी बातें फिक्स है यस या नो, तो उस तरीके से अगर आपने यस कर दिया तो वो सभी इनवॉइस के ऊपर लागू हो जाएगा। अब उसके बाद बारी आती है कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉन्फ़िगरेशन का यूज ज़्यादातर हम अकाउंटिंग वाउचर का यूज करते वक्त या फिर किसी रिपोर्ट को देखते वक्त हमें यूज करना पड़ता है। तो अब देखिए जैसा भी हमने इसको पेमेंट वाउचर हमने ओपन किया, तो पेमेंट वाउचर जैसे हम यूज करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कॉन्फ़िगर का, ठीक है। अब हम जैसे इस कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे तो अब इस कॉन्फ़िगर से होगा क्या, भी हमारी इस पेमेंट वाउचर से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपके सामने खुल जाएंगे। आप उसमें से किसी को इनेबल या फिर डिसेबल करना चाहो तो कर सकते हो। तो शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस, F11 के अंदर हमें दिखाई दे रहा था शो मोर फीचर्स, लेकिन अब यहाँ दिखाई दे रहा है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ पर भी देख सकते हो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है। हम जैसे इसको यस करेंगे तो कुछ डिटेल्स हमारे सामने और ऑप्शन इनेबल हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप हर वाउचर्स की अलग अलग डिटेल वाइज यहाँ पर इसको देख सकते हो। जैसा कि ये मैंने F5 पेमेंट वाउचर यूज किया है, इसी तरीके से अगर मैं काउंटर वाउचर को यूज करता हूँ और काउंटर वाउचर का मैं कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ तो ये काउंटर वाउचर का कॉन्फ़िगरेशन मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यानी कि हम कह सकते हैं भी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स है वो हर वाउचर की अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, हर रिपोर्ट्स की आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से अगर आप सेल वाउचर का यूज करते हो और उसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन का यूज करोगे तो इसके अंदर आप सेल से रिलेटेड जो ऑप्शन आपको इनेबल या फिर डिसेबल करने वो आप यूज कर सकते हो।
तो यानी कि ये जरूरी नहीं है भी ये कॉन्फ़िगरेशन आपको सेल वाउचर में दिखाई दिए सभी पेमेंट में भी होगी, या जो पेमेंट में आपने को आपको दिखाई दिए वो सभी सेल वाउचर के लिए, हर सेल वाउचर के लिए, हर यानी कि हर टाइप की वाउचर के लिए कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग आपकी अलग रहेगी। उसके बाद अगर हम डिटेल एक बार देखते हैं स्टॉक समरी की, जैसे मान लीजिए हमने स्टॉक समरी पे आए, अब हम जैसे हमारी स्टॉक समरी, अब स्टॉक समरी पे जाके अगर हम कॉन्फ़िगर ओपन करते हैं तो ये सेट मतलब जो स्टॉक समरी से रिलेटेड हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको अलग दिखेगी। अब इसके अंदर पूछेगा आपको क्वांटिटी डिटेल देखनी है, एमआरपी रेट, वैल्यू डेट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इनवर्ड्स आउटवर्ड, स्टॉक आइटम का ग्रोस प्रॉफिट। अगर आप ये सारी बातें देखना चाहते हो तो ये सेटिंग आपकी केवल स्टॉक आइटम से रिलेटेड ही है, इसमें वाउचर का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो रिपोर्ट आप देख रहे हो उसी से संबंधित ही आप वहां पर ऑन द स्पॉट उसको चेंज कर सकती हो। हाँ, F12 के अंदर जो आपने चेंजिंग कर दी वो चेंजिंग इस टेली सॉफ्टवेयर में हम जो भी और भी कंपनी क्रिएट करेंगे या जो ऑलरेडी हमारे पास कंपनी क्रिएट हो चुकी है उसके अंदर भी ये सेटिंग है जो ऑटोमेटिक ही इनेबल या डिसेबल हो जाती है अगर हम किसी में एक में चेंज करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम कोई जीएसटी की रिपोर्ट अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, और ये डिटेल देख ली जीएसटी की, अब जीएसटी की डिटेल पे हम जाएंगे तो अब यहाँ पर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे तो अब हमें केवल जीएसटी से रिलेटेड ही कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। शो टैक्स टाइप सेपरेट इन कॉलम, रिपोर्ट को आप कंसोलिडेटेड कंसेंटेड देखना चाहते हो या फिर इसके अंदर डिटेल के साथ देखना चाहते हो तो आप इस तरीके से दो ही कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि F11 का जो फीचर्स का यूज होता है वो पर्टिकुलर हमारी इन्वेंट्री के लिए, स्टॉक आई है उसका अकाउंट्स के लिए और टैक्सेशन की डिटेल को सेट करने के लिए होता है, और कॉन्फ़िगरेशन F12 का यूज जो भी आप रिपोर्ट खोलोगे उस वक्त आपको हर बार एक नई विंडो कॉन्फ़िगरेशन के रूप में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आई होप कि आप F11 और F12 के फीचर के बारे में आसानी से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे उन सभी का रिप्लाई देने की। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लें।